अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो जो है ये एज रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब 18 प्लस के लिए है। जिनकी एज 18 साल से ऊपर हो उनके लिए है, उसे नीचे जो भी लोग हैं उसके लिए ये वीडियो नहीं है। और इसमें कोई गैर अखलाकी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ कुछ पिक्चर्स होंगी जो कि मैं आपको दिखाऊँगा। आज की वीडियो जो है उसका टाइटल है कि draz.pk के होते हुए पाकिस्तान में पोर्न वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, मतलब फहाशी की जो वेबसाइट है उसकी ज़रूरत नहीं है जब तक दराज है पाकिस्तान में। तो मैं आज आपको जो है दराज के बारे में कुछ फैक्ट्स दिखाने जा रहा हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें जो हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि फहाशी फैलाने का सबब बन रही हैं, और इतनी ज़्यादा फहाशी फैलाने का कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर अपनी पब्लिसिटी के अंदर वो लोग इतने ज़्यादा न्यूडिटी का, नंगेपन का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है फहाशी फैलेगी। तो मैं कंपैरिजन भी करूँगा दराज का पाकिस्तान की दूसरी वेबसाइट के साथ उसी सेम चीज़ के अंदर। तो वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन पे सिंपली आके आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आपको बेल बन के आएगा उसको प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन रिसीव होते रहें। इसके बिल्कुल ऊपर ही फेसबुक का मेरा पेज है, उसको काइंडली ओपन कर, और मैं सपोर्ट मांग रहा हूँ थ्रू आउट द वीडियो। हमारा चैनल 21 मार्च को ब्लॉक हो जाएगा अगर हमें 1000 सब्सक्राइबर नहीं मिले उस वक्त तक, और 4000 घंटे वॉच टाइम, तो वॉच टाइम जो है वो रिकवर नहीं हो रहा, वो उसकी टेंशन है। और सिर्फ आपकी इतनी सपोर्ट चाहिए कि आप सिर्फ यही पेज लाइक कर दें, आप कहीं नहीं जाएं। सब ने फेसबुक सब यूज़ करते होंगे, आप मेरे न्यू व्यूअर हैं या पुराने हैं, मैं आप सबसे मांग रहा हूँ सपोर्ट। आप सिर्फ जाएं और वहाँ से जाके कोई भी पोस्ट का लिंक उठा के आप 3 से 4 बड़े ग्रुप, पाकिस्तानी बड़े ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दें। बस आप लोगों की इतनी हेल्प आई है मुझे, जो काफ़ी है। कई लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग जो न्यू व्यूअर हैं या पुराने हैं, जो आगे नहीं बढ़ रहे, आप भी आगे बढ़े, ये आपका ही चैनल है, हम सबका चैनल है। अगर ये ब्लॉक नहीं होगा तो मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा और आप देखते रहेंगे। तो मैंने पहले बता दिया आज की जो वीडियो है वो एज रिस्ट्रिक्टेड है, आप लोग कंप्लीट देखिए, जो 18 प्लस हैं उनके लिए ना, ये वीडियो अपने बच्चों के साथ या इधर उधर आपने शेयर नहीं करनी। तो सबसे पहले मैं आपको ये वेबसाइट है shopandgo.pk, ये स्टफ़ है जी जो मैं आपको दिखाना चाहता था, नाइटी या स्लिप वेयर या इनर वेयर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर इन्होंने जो है अपलोड की हुई है इश्तिहार के तौर पे, क्योंकि यही तस्वीर है जो हर जगह पे इस प्रोडक्ट की शो होगी, फेसबुक पे, उसके अलावा क्या होता है, कहीं भी आप जाते हैं दराज का तो आपको पता ही है, आप जहाँ से दराज वहाँ भी घुस जाता है। तो ये है shopandgo.pk, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह की फहाशी की तस्वीरें जो है यहाँ पर लगाई गई हैं इश्तिहारात के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अब हम आ जाते हैं homeshopping.pk। मैं कंपैरिजन सबका पहले जो है इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपको दराज पे लेके जाऊँगा तो आपको पता लगेगा कि दराज पे ये सब कुछ कितना है। यहाँ पर मैंने जो है ये सर्च किया नाइटी का, इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल ही नहीं है। तो देख सकते हैं आप शॉप एंड गो पे मैंने आपको दिखाया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट ही नहीं है, उन्होंने ये ऐसी प्रोडक्ट जो है वो डाली ही नहीं है। तो सैल्यूट है होम शॉपिंग वालों को, बाकी जो बेगैरती और फहाशी फैला रहे हैं उनको तो सैल्यूट कभी भी नहीं कर सकते। अब हम आ जाते हैं shoptracks.com पे। shoptracks.com पे भी मैंने आपके सामने नाइटी सर्च करता हूँ मैं, क्योंकि मैं हम जो प्रोडक्ट देख रहे हैं जिसको हमें कंपैरिजन करना है दराज, मैं दराज पे जाऊँगा तो आप शॉप्ड होंगे
देख के कि इतनी गंदी पिक्चर्स जो उन्होंने यूज़ की हुई हैं और किसी ने भी यूज़ नहीं की। तो ये हम लोग किस साइड पे जा रहे हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, और पता नहीं बस क्या बनेगा इस मुल्क का। आप लोगों को इस करना है। यहाँ पर इस वेबसाइट पे जीरो आइटम जो है वो अवेलेबल है नाइटी का, मैंने सर्च किया आपके सामने। तो ये शॉपरेक्स है, इसके ऊपर भी आपके सामने कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट नहीं है। तो आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना बेहतर है। अब मैं जा रहा हूँ दराज पे, जितना भी शेयर हो सके जितना ज़्यादा उतना इसको शेयर करें, क्योंकि ये फहाशी का ऐसे समझ लें अड्डा बन चुकी है दराज। मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ ये वीडियो 18+ है, 18+ के साथ ही शेयर कीजिएगा, इसके अलावा किसी से भी शेयर नहीं कीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आपके, आपको पोर्न वेबसाइट ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह का दराज जैसी वेबसाइट अगर अवेलेबल है आपके मुल्क के अंदर, तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ गाइस। व्हाट इज हैपनिंग नाउ, क्या हो गया, पागल हो गए हो? रीलोड कर लेते हैं, पेज फ्लेक्ट कर रहा है बार बार। तो ये देखें, ये देखिए, बिल्कुल नंगापन, बेगैरती की। पहले तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ बेटियों की तस्वीरें लगती थी, क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि इन्होंने, देखें बस, मैं ज़्यादातर जल्दी जल्दी मूव कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा देर कुछ भी नहीं दिखाना। ये सबूत है इस चीज़ का, हमें क्रैक डाउन करना है इसके खिलाफ, दराज के खिलाफ। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सकता है, अगर आपको वाकई लगता है कि ये घर इस तरह की, अगर ये एडवर्टाइजमेंट होती रही तो कल को शायद ये ट्रेंडिंग में आ जाए, और आप लोगों को बताया कि फैशन के नाम पे लड़की कुछ भी करते हुए कहीं तक भी। आप सबसे दरख्वास्त है, अभी देख लें कि मैंने आपको फर्स्ट पेज दिखाया है, अभी इसके 45 पेजेस हैं, 45 पेजेस। तो जस्ट इतना ही मैं आपको दिखाना चाहता था कि कितनी फहाशी है, इतना मतलब नंगापन दिखा रहे हैं दराज वाले। तो मुसलमान बहैसियत पाकिस्तानी सिटीजन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरे दरख्वास्त है कि आप जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह की खबीस जो वेबसाइट्स हैं और इस तरह के जो खबीस लोग हैं जो इस तरह के पिक्चर्स इस्तेमाल करते हैं, क्या वो अपने एम्प्लॉयज़ को कह नहीं सकते, क्या वो रोक नहीं सकते, क्या उनके पास एक्सेस नहीं है कि उनको कहें कि इस तरह की पिक्चर्स आप नहीं डालना, क्योंकि हम मुसलमान हैं। आखिर दराज के ऑफिस में, Draz.pk के ऑफिस में मुसलमान ही काम करते होंगे ना, और जो ये डालते हैं तो उनको उस वक्त समझ नहीं आती। चलो वो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके ऊपर कंपनी है, कंपनी के अंदर आखिर ये प्रोडक्ट लाइव होने से पहले रिव्यू तो होती होगी, तो वो क्या मुसलमान नहीं होता होगा जो रिव्यू करता होगा। तो हमें जो है क्रैक डाउन स्टार्ट करना है इसके खिलाफ। आप जितना ज़्यादा हो सकता है, जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दराज तक ये वीडियो पहुँचे और इन बेगैरतों को पता लगे कि वो कितनी बेगैरती और फहाशी फैला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।